हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक न्यू बॉर्डर डिज़ाइन, जो कि बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही यूनिक लगता है देखने में। तो देखिए, उसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम सिलाई पर फंदे ले लें। तो फंदे आप जितने मर्जी उतने लें, जितने आपको स्वेटर में रखने हों या फिर कुछ भी बना रहे हों तो उस हिसाब से आप फंदे ले लें। और फिर हम क्या करेंगे, ये पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद ये एक फंदा सीधा, फिर ऊन को अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, फिर ऊन को पीछे करेंगे एक फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। तो ऐसे ही करते हुए हम ये पहली सिलाई कंप्लीट करेंगे, एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए। तो ये पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए दूसरी सिलाई है, यहाँ पे देखिए हम थोड़े से चेंजेस करेंगे, तो यहीं आपको ध्यान देना है। पहला फंदा स्लिप किया, उसके बाद ऊन को पीछे करेंगे, और ये देखिए ये यहाँ पे सीधा फंदा है, यानी इस तरफ से हमने उसे उल्टा बुना था और इधर ये सीधा दिख रहा है। तो इसे हमें क्या करना है, पहले तो हम ऐसे सिलाई को ऐसे करेंगे, नीचे से लाते हुए ऐसे करेंगे, और फिर इसे हम वापस से जैसे सिलाई किया था हमने वैसे करके इस फंदे को वापस से इस सिलाई पर ले लेंगे। यानी हमने इसे घुमा दिया है नीचे से करके, और फिर इसे हम सीधा बुनेंगे। फिर देखिए ये उल्टा फंदा है, यानी इधर देखिए उल्टा दिख रहा है ये, तो ऊन को अपनी तरफ करके ये वाला फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर देखिए ये फंदा सीधा है, तो ऊन को पीछे करना है ऐसे, सिलाई देखिए ऐसे ट्विस्ट करना है, और ये फंदे को इस सिलाई पर लेकर के फिर से ऐसे ट्विस्ट कर लेना है। इस फंदे को वापस इस सिलाई पर लेंगे और फिर इसे सीधा बुनेंगे। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर ऊन को पीछे किया, ये इस तरह से सिलाई करके ये फंदा उतार के हमें फंदे को ट्विस्ट करना है और फिर उसे सीधा बुनना है। फिर एक फंदा उल्टा। तो जब जब हम सीधे फंदे में आएंगे, तब तब हमें इस तरह से इस फंदे को उतार करके ट्विस्ट करना है। देखिए इस तरह से करते हुए हम इसे ट्विस्ट करेंगे। तो ऐसे ही करते हुए देखिए हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लें। ये तीसरी सिलाई है, इसे हमें जो फंदा सीधा दिख रहा है उसे सीधा और जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसे उल्टा बुनना है। तो ये पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद देखिए ऊन को पीछे करके ये वाला फंदा देखिए सीधा दिख रहा है, तो इसे हम सीधा बुनेंगे। फिर ये उल्टा फंदा है, तो ऊन को अपनी तरफ करके इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। फिर ये एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। तो ऐसे ही करते हुए देखिए हमें ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये सिलाई भी देखिए कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए तीसरी सिलाई है, इसे हमें जो फंदा सीधा दिख रहा है उसे सीधा और जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसे उल्टा बुनना है। तो ये पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद देखिए ऊन को पीछे करके ये वाला फंदा देखिए सीधा दिख रहा है, तो इसे हम सीधा बुनेंगे। फिर ये उल्टा फंदा है, तो ऊन को अपनी तरफ करके इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। फिर ये एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा,
तो ऐसे ही करते हुए देखिए हमें ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये तीसरी सिलाई भी देखिए कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए चौथी सिलाई है, इधर से हमें इसे पूरा उल्टा उल्टा बुनना है। तो ये पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद देखिए जितने भी फंदे हैं उन सबको हम उल्टा बुन लें। ये सिलाई भी देखिए कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए पांचवी सिलाई है, इसे भी हमें देखिए उल्टा उल्टा बुनना है। तो यहाँ पे मैं दो सिलाइयाँ और बुनूंगी उल्टे उल्टे की, दोनों साइड से एक एक सिलाई। तो ये बुनकर फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये छह सिलाइयाँ बुनी हैं उल्टे उल्टे की, तीन सिलाइयाँ इस साइड से, तीन सिलाइयाँ इस साइड से। और अब देखिए ये हमारा बॉर्डर बनकर रेडी हो गया है। तो इस बॉर्डर को आप किसी भी वुलन प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, स्वेटर हो चाहे सॉक्स के बॉर्डर आप चाहे तो इससे बना सकते हैं। इसका जो ये नीचे का पार्ट है ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसे फंदा ही दूसरे तरीके से डाला गया हो। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।